नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्रोमेगैली के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्रोमेगैली, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोसिस और उसके मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एक्रोमेगैली के बारे में। एक्रोमेगैली क्या है हम जानते हैं, इसको पहले से भी इसका नाम हमारे फिजियोलॉजी में, हार्मोनल स्टडी में हम इसके बारे में पहले से पढ़ते आए हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होने वाली एक प्रॉब्लम है। तो एक्रोमेगैली आमतौर पर एडल्ट लाइफ में होता है, ये बात पता होना चाहिए। जब एपिफिशियल क्लोजर हो जाए तब हम एक्रोमेगैली कहते हैं। तो एक्रोमेगैली एक्चुअल में एडल्ट लाइफ में होता है, जबकि जब हम बात करते हैं यंग एज में, तो जब एपिफिशियल क्लोजर से पहले की बात होती है तब उस समय जाइगेंटिज्म होता है। तो जाइगेंटिज्म अलग समस्या है, यहाँ पर जो हम एक्रोमेगैली की बात कर रहे हैं ये एडल्ट लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम है हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, हम इसके बारे में इसी लेवल पर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर ये होता क्यों है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि ये मैक्सिमम केसेस में पिट्यूटरी एडिनोमा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का बिनाइन कैंसर की वजह से, यानी बिनाइन नियोप्लाज्म की वजह से, बिनाइन नियोप्लेसिया की वजह से, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से एक्रोमेगैली होता है, और वो भी एडल्ट लाइफ में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पिट्यूटरी एडिनोमा होता है तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं सेल्स के नंबर्स बढ़ेंगे, और वो भी ख़ास तौर पर वो सेल्स जो कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, उन सेल्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होगा। हालांकि बॉडी में आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन मैक्सिमम मामलों में इससे लिंक्ड है, लेकिन कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। कुछ बॉडी के दूसरे कैंसर में भी आपने पढ़ा होगा कि जब कैंसरस सेल्स जब ग्रो करते हैं तो वो कई बार अपने नॉर्मल सिक्रीशन से अलग सिक्रीशन भी रिलीज करने लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैंक्रियाज के भीतर अगर आइलेट्स सेल्स का अगर ट्यूमर हो जाए पैंक्रियाज के भीतर, तो होता यह है कि पैंक्रियाटिक सेल्स कई बार अपने नॉर्मल सिक्रीशन की बजाय दूसरे सिक्रीशन रिलीज करने लगते हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन शामिल होता है। हालांकि ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कई बार हाइपोथैलेमस के लिजन की वजह से होता है। ये क्या कारण हो सकता है, हाइपोथैलेमस के लिजन की वजह से क्यों ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन होगा? तो आपको पता है ना कि हाइपोथैलेमस का कंट्रोल सीधे तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है, ये बात हमें पता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ग्रोथ हार्मोन पर इसका इनडायरेक्ट कंट्रोल सोमैटोस्टैटिन के रिलीज होने की वजह से होता है, आपको ये बात पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करा करके ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने को सप्रेस किया जाता है। पिट्यूटरी से जो रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन है वो सप्रेस होगा जब हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन रिलीज करेगा। अगर हाइपोथैलेमस में लिजन हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन को रिलीज नहीं करा पाता है। तो ये चीज़ें हमें लिंक करके सोचना होगा कि दूसरा ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण होता है बॉडी में ब्रोंकियल कार्सिनोमा की वजह से। तो यहाँ पर ब्रोंकियल कार्सिनोमा की वजह से भी कई बार ब्रोंकियल सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शन की बजाय हार्मोनल फंक्शंस करने लगती हैं और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने लगती हैं। कुछ मामलों में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा को भी ये देखा गया है कि उस ऐसे कैंसर के दौरान भी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेसिव ग्रोथ के कारण को समझ सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन क्यों हुआ। हालांकि ये देखा गया है पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ही मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, लेकिन लेस देन 0.1% मामलों में इसका रीज़न आप पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो सेल्स हैं उनके ट्यूमर से जोड़ सकते हैं। क्या बच्चों में एक्रोमेगैली हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता है, बच्चों में एक्रोमेगैली का कारण नहीं बनता है। बच्चों में एक्रोमेगैली नहीं हो सकता है, एक्रोमेगैली वास्तव में एडल्ट्स में होता है। एक्रल पार्ट्स
बच्चों में खास तौर पर एक्रोमेगैली ना होकर के बच्चों में गाइगेंटिज्म या जाइगेंटिज्म जिसे हम कहते हैं वो होता है। एडल्ट्स में क्या होता है कि एक्रल पार्ट्स के क्लोज हो जाने के बाद जो ग्रोथ जो होती है वो लॉन्ग बोन्स की नहीं हो पाती है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर एडल्ट्स में लॉन्ग बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं, इसीलिए एक्रल पार्ट का ग्रोथ होता है। लॉन्ग बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं, केवल एक्रल पार्ट्स का एनलार्जमेंट पॉसिबल है, इसलिए एडल्ट्स में एक्रोमेगैली होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो उसका हम आपको क्लिनिकल फीचर्स जब हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यूज चेंजेस होते हैं, बोन में चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, प्रेशर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कार्डियक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कुछ दूसरे इफेक्ट्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू में होने वाले चेंजेस को भी कंसीडर करना होता है। इसमें स्किन की थिकनिंग हो जाती है, लिप्स, नोज, टंग, ये सारे इनलार्ज्ड हो जाते हैं, अभी आगे हम इमेज के माध्यम से देखेंगे। इतना ही नहीं, इसमें हील फैट पैड थिकनेस बढ़ जाती है। हील पैड थिकनेस बढ़ने का क्या मतलब होगा इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्नोसिस बनाने में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, हील पैड थिकनेस बढ़ने की वजह से इसके बोन में क्या क्या चेंजेस होंगे तो यहाँ पर बोनी चेंजेस में हम देखेंगे फीट लंबे हो जाते हैं, प्रोग्नाथिज्म देखने को मिलता है, यहाँ पर सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स बोनी चेंजेस के दौरान देखने को मिलता है। इसमें मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज इनटॉलरेंस हो जाता है, इसीलिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्रोमिगैली ही है या कुछ और है। तो GTT का इंपॉर्टेंस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में हमें क्लिनिकल डायबिटिक मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस के फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रेशर इफेक्ट्स, प्रेशर इफेक्ट्स क्यों होगा आपको मैंने बताया, पिट्यूटरी एडिनोमा होने की वजह से, पिट्यूटरी एडिनोमा होने की वजह से ऑप्टिक कियाज्मा पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से विजन में चेंजेस होते हैं, तो वो प्रेशर इफेक्ट्स इससे लिंक्ड हैं। कार्डियक इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होने की गुंजाइश होती है और कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा हाइपरटेंशन के फीचर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरे रीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉलोनिक पॉलिप्स के बढ़ने के रिस्क होते हैं और कोलन के कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारे कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं जिसको हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए और ये क्लिनिकल फीचर्स याद रहने चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू में चेंजेस, बोनी चेंजेस, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, प्रेशर इफेक्ट्स, कार्डिक इफेक्ट्स और दूसरे इफेक्ट्स जो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से। क्या बच्चों में एक्रोमेगैली होता है? नहीं, बच्चों में जाइगेंटिज्म होता है, एडल्ट्स में एक्रोमेगैली होता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बोन्स फ्यूज हो चुकी हैं, एक्रल पार्ट्स में ही केवल इनलार्जमेंट होने की गुंजाइश होती है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। एक्रोमेगैली की बात करते हैं तो ये एक्सेसिव सिक्रीशन होने की वजह से यहाँ पर होता है। तो एक्रोमेगैली है क्या? एक्सेसिव लीनियर ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये समझना है कि इसके जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि सॉफ्ट टिश्यू के स्वेलिंग होने के चेंजेस को हमें देखना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स के एक्शन यानी हमें कार्टिलेजनस जो ग्रोथ होता है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। बहुत ज़्यादा इसमें हमें एम्फेसिस देना है इसके फीचर्स को और उसके इफेक्ट्स को, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट्स की लाइफ में कहाँ कहाँ प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक 60-year-old मैन में यहाँ पर फेस में ही इसके आप चेंजेस देख सकते हैं, नोज में होने वाले चेंजेस, लिप्स में होने वाले चेंजेस, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस में होने वाले चेंजेस। इसके अलावा यहाँ पर प्रोट्यूबरेंस ऑफ चिन को भी आप देख सकते हैं, फेस चपटा सा हो गया है, फ्लैट फेस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना है, यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि फिंगर्स में भी आप देखेंगे बोनी चेंजेस, फीट लंबे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो यहाँ पर हैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर वाइडनिंग, फिंगर्स की वाइडनिंग आप देखेंगे, फिंगर्स वाइड हो जाते हैं, ये सारे फीचर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक 26 ईयर्स की
ओल्ड लेडी में नॉर्मल ये फिगर रहा, चेहरे की बनावट नॉर्मल रही, लेकिन वही 20 ईयर्स के बाद जब एक्रोमिगैली हो गया तो उनके चेहरे की बनावट में बहुत बड़ा अंतर आ गया। वो सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और सबसे ज़्यादा हम वही जितनी भी चीज़ें हम देख सकते हैं नोज़ में, लिप्स में, चिन में होने वाले, सुप्रा ऑर्बिटल हिस्से में होने वाले चेंजेस को ही हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बारे में हमारी जानकारी है, हम इसके बारे में काफ़ी हद तक पढ़ते हैं, और हमें पता भी है कि अगर ये पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होने वाला आमतौर पर प्रॉब्लम है तो इसीलिए सर्जिकल रिसेक्शन इसमें एक तरीका होता है, जिसमें एडिनोमेक्टोमी या फिर जिसे हम कहते हैं, जिसको कराने के लिए ट्रांस स्फिनाइडल रूट के द्वारा हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये एडिनोमा को कैंसर के जो एडिनोमेटस जो ग्रोथ है उसको सर्जरी के द्वारा ठीक करने की कोशिश किया जाता है। इसमें बहुत कुछ हम पहले से जानते हैं, इसलिए मैं हर एक बात पर इम्फेसिस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर सीधे हम एक पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ एडिनोमेक्टोमी करने की बजाय कुछ मामलों में हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलमस के लिंक को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैंने उस जो वीडियो था उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। यहाँ पर सीधी सी बात ये होती है कि फीट हो, नोज़ हो, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, हैंड्स में जो बोनी होंगे, टंग में, लोअर जॉ में, इन सारे हिस्सों का इनलार्जमेंट होता है, तो कुछ कार्टिलेजनस ग्रोथ होंगे, कुछ सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ होते हैं, प्रोग्नाथिज्म देखने को मिलता है, लोअर जॉ का प्रोट्यूबरेंस देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए 20-30% केसेस में हमें डायबिटीज़ मिलिटस देखने को मिलता है, यहाँ पर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये भी बात मैंने आपको बताया है कि मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, कार्डियक इफ़ेक्ट्स भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोमेगैली हो सकता है। ये सारी वजहें इसमें, कार्डियोमेगैली में ख़ासतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों को एक साथ रिकॉल करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोगों ने पहले ही एक टेबल के माध्यम से पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो मैंने आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले ही बताया, हील पैड थिकनेस देखते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में होने वाले चेंजेस को सीधे तौर पर यहाँ पर देखने की कोशिश किया जाता है। एक्सरे के माध्यम से फुट का हील पैड थिकनेस देखा जाता है, यहाँ पर कैल्कोनियम बोन मदद से वहाँ पर हमें हाई वो थिकनेस देखना होता है, सॉफ्ट टिश्यू, कैल्कोनियम बोन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच का जो थिकनेस है उसको हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर कैल्कोनियम बोन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच का जो थिकनेस है उसको मेज़र करके हम जानने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनिंग करने की कोशिश करते हैं एक्रोमेगैली की। तो इसके लिए लैटरल साइड से, फुट का लैटरल साइड से एक्सरे लिया जाता है, और अगर ये थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सीधे तौर पर इसको लिंक किया जा सकता है एक्रोमेगैली से, ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट का हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन के लेवल को चेक करना होता है, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल फ्लैक्चुएटिंग ऑर्डर में होता है। कुछ मामलों में हम एक्रोमेगैली के साथ ही साथ इसी फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर की वजह से हम कुछ और दूसरी भी बातें यहीं पर बता देना चाहते हैं कि अगर कहीं एक्सेसिव अगर डायग्नोसिस होता है किसी के सिक्रीशन का, तो हम सप्रेशन टेस्ट के माध्यम से हम चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है एक्रोमेगैली में, यानी लेवल राइज कर जाएगा एक्रोमेगैली में, ये बात हमें पता है। लेकिन एक बात यहीं से लिंक करना होगा कि अगर लेवल इसका हाई है तो हमें इसके रीज़न को जानने के लिए कि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन अननेसेसरी हाई है, वो अनकंट्रोल लेवल तक हाई है, तो इसके लिए हम इसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर सप्रेस नहीं हो पा रहा है, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई है, सप्रेस करने की कोशिश के दौरान भी अगर सफलता नहीं मिलती है, यानी ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन के बावजूद
लगातार रिलीज हो रहा है, यानी पिट्यूटरी एडिनोमा ही है, तभी ग्रोथ हार्मोन सेपरेशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात ये भी है कि कुछ मामलों में अगर ग्रोथ हार्मोन कम होता है, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है, जो कि दूसरे मामलों में होता है। मान लीजिए कोई ड्वार्फिज्म का मामला है, तो वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो हम स्टिमुलेट करके कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरी चीज़ है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी केवल और केवल हम बात करेंगे सप्रेस करने के लेवल के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज और भी है कि एक्रोमिगैली के जो पेशेंट होते हैं, अगर चेहरे की बनावट से ज्यादा ना समझ में आए तो उनके और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो मैंने आपको बताया है कि ज्वाइंट पेन के साथ आ सकते हैं, स्किन थिकेंड होगी, वॉइस मोटी होगी, लिप्स टंग वो सारे मोटे होंगे, इसीलिए आपने खली तो खैर वो जाइगेंटिज्म के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे कि ऐसे लोगों की वॉइस भी डीप हो जाती है, हेडेक होता है प्रेशर चेंजेस की वजह से, विजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसकी डायग्नोसिस बनाने की ओर हैं, हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे उसके लिए जब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो ग्रोथ हार्मोन से लिंक्ड दो प्रोसेस को हम रिलेट करके बात करेंगे। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो कैसे हम काम कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है तो हम स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्मोनल डिफिशियंसी के दौरान हम जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो उस समय हार्मोनल डिफिशियंसी के दौरान स्टिमुलेट कराने की कोशिश करते हैं, जैसे ड्वार्फिज्म का मामला अगर आता है तो। लेकिन हम यहाँ पर एक्रोमिगैली की बात कर रहे हैं, तो एक्रोमिगैली में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो वहाँ पर हम सप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सप्रेशन टेस्ट करेंगे, और सप्रेशन टेस्ट जो होगा हार्मोन के एक्सेस होने की कंडीशन में सप्रेशन टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सप्रेशन के करने के दो तरीके हैं, सप्रेशन टेस्ट को चेक करने के दो अलग अलग तरीके हम यहाँ पर अपनाएंगे। एक होगा यहाँ पर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके द्वारा हम सप्रेशन को चेक करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा होता है यहाँ पर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को हम इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग हम करेंगे टेस्ट, सप्रेशन में दो अलग अलग टेस्ट करेंगे, IGF-1 का लेवल सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम देखेंगे वहाँ पर कैसे लिंक होगा उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और IGF-1 दो टेस्ट के माध्यम से हम सप्रेशन टेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन के लेवल को लिंक करेंगे जब हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टेस्ट जो होगा वो होगा OGTT। इसमें क्या करेंगे हम 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं। मकसद क्या होता है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो आमतौर पर बॉडी ग्रोथ हार्मोन को बनाना कम कर देती है। तो हमारी बॉडी में आमतौर पर अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाता है। लेकिन अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है या किसी ऐसी वजहों से जिसमें पैंक्रियाज में कैंसर है या फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर है, तो ऐसे मामलों में ग्रोथ हार्मोन लगातार रिलीज होगा, बॉडी का ये फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। यानी ग्लूकोज का लेवल हमने अगर बढ़ाया तो भी सीरम ग्रोथ हार्मोन का लेवल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ा ही रहेगा। तो इससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा इसके बावजूद कि हमने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया। आमतौर पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने पर ग्रोथ हार्मोन का लेवल घटता है। तो ये बात एक डायग्नोसिस बनाने में मदद करती है OGTT के द्वारा, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है GTT, जैसा कि हम दूसरे मामलों में भी करते हैं, हम प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ मिलिटस है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करने के लिए भी हम जिस तरीके से करते हैं वही बात यहाँ पर होगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स में ग्रोथ हार्मोन को चेक करने के लिए, हम उन मामलों में जब कोई बच्चा शॉर्ट स्टेचर का हो, जब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी होती है, तो उस दौरान हम स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे, और इसी चीज़ को हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसुलिन क्या कराता है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाइपोग्लाइसीमिया
आप बात समझें, ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है। बच्चों में अगर कोई शॉर्ट स्टेचर का बच्चा है जिसमें ग्लूकोज का लेवल कम होने पर क्या होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर उसके बावजूद भी कम है, यानी इसका कोई लिंक है ग्रोथ हार्मोन के कम होने, कम सिक्रीट होने से, आपको ये लिंक पता होना चाहिए। ये एक एडिशनल पॉइंट जो पीडियाट्रिक्स के शॉर्ट स्टेचर का है, उसी का अपोजिट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको कहा हाइपरग्लाइसीमिया होने पर हमने बाहर से ग्लूकोज दिया तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल घटना चाहिए, ऐसे ही अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर स्टिल लो है तो हमें पता चलता है कि शॉर्ट स्टेचर का लेवल ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी की वजह से है। तो ये सारी पॉइंट हमें पता चलता है। यहां पर हम इंसुलिन दे करके इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं इंसुलिन दे करके हाइपोग्लाइसीमिया हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाने की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, लेकिन वो लो है। इससे पता चलता है कि बच्चा शॉर्ट स्टेचर है, वो भी ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से। तो ये कई सारे मामलों में हमें पता चलता है। तो ये है इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। अब इसी तरीके से एक और है, हम यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अगर हो जाता है तो आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में है तो उसका सीधा इफेक्ट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पर पड़ता है, क्योंकि पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन सीधे तौर पर लीवर को एक्साइट करता है, और लीवर जब एक्साइट होता है तो लीवर IGF-1 को बनाता है और ये बोन्स के ग्रोथ के लिए एक्साइट करता है। यहाँ पर इसका लेवल जो ही बढ़ता है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को, लेकिन अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल बढ़ा हुआ है और इसका नेगेटिव फीडबैक होने के बावजूद भी इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन लगातार बनता रह रहा है, यानी पिट्यूटरी एडिनोमा का कोई कारण यहाँ पर हो सकता है। आप ये बात रिलेट करके आप समझ सकते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा को कोई कारण यहाँ से लिंक करके हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर पिट्यूटरी एडिनोमा है तभी ये ग्रोथ हार्मोन लगातार बढ़ा हुआ है, इसके बावजूद कि इसके प्रभाव में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ रहा है, वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा। तो आप देखेंगे ग्रोथ हार्मोन लगातार बढ़ेगा, वो इसको लगातार बढ़ाएगा जिसकी वजह से बोन लगातार ग्रो करेंगे, लेकिन बोन का चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो एंड प्लेट है वो क्लोज हो चुका है, इसलिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं बनती है। अब यहाँ पर पिट्यूटरी एडिनोमा, इसका सबसे आम तौर पर जो कारण है पिट्यूटरी एडिनोमा को जब माना जाता है तो हम MRI करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि MRI करना यहाँ ज़रूरी होता है, तो MRI के माध्यम से इसके बारे में पता चल सकता है। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आमतौर पर सर्जरी का ऑप्शन एक होता है, लेकिन उससे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी यहाँ पर सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो यहाँ मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी और रेडियो थेरेपी कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांस स्फेनॉइडल रिसेशन ऑफ पिट्यूटरी यानी TSRP, जो यहाँ पर ट्रांस रिसेशन TSR समझ सकते हैं, ट्रांस स्फेनॉइडल रिसेशन ऑफ पिट्यूटरी, ये एक तरीका होता है, लेकिन उससे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर सोमैटोस्टेटिन एनालॉग दे करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, और ये देखा गया है, आपको पता भी होगा कि यहाँ हम एक मेडिकल ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर अपनाते हैं इसमें हम हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी और उसके साथ जुड़ा हुआ जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज है होने के जो प्रोसेस है उसी को हम लिंक करके यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आम तौर पर क्या होगा कि यहाँ हम कोशिश करते हैं, एक तो आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस दो तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है, केवल दो तरीके से, बाकी सारे मामलों में ये एक्साइट ही करता है। एक तो ये डोपामिन का जब यहाँ निगेटिव इफेक्ट होने की वजह से प्रोलैक्टिन कम रिलीज होता है, ये बात हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया इसके पहले लेक्चर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर डोपामिन का लेवल यहाँ बढ़ा रहेगा हाइपोथैलेमस से तो पिट्यूटरी कम प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सोमैटोस्टेटिन का भी लिंक, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोमैटोस्टेटिन का लेवल हाई होने पर यहाँ से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम दो निगेटिव हमारे पास टॉपिक मिलता है, एक डोपामिन का जो निगेटिव इफेक्ट है और सोमैटोस्टेटिन का जो निगेटिव इफेक्ट है, इसी के आधार पर हम दवाएं देते हैं। तो सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देंगे यानी उनकी मात्रा बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाएगा, इसलिए हम सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं। सोमैटोस्टेटिन एनालॉग में नाम आता है
ऑक्ट्रियोटाइड का, ऑक्ट्रियोटाइड जो कि सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। इसके अलावा हम एक तरीका और भी अपनाते हैं जिसमें हम डोपामिन एनालॉग भी देते हैं। हालांकि डोपामिन एनालॉग कैसे काम करेगा, तो एक्चुअली डोपामिन एनालॉग इनडायरेक्ट काम करता है, आप समझ सकते हैं ये प्रोलैक्टिन के लेवल को घटाता है। तो डोपामिन एनालॉग दे करके हम कोशिश करते हैं डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, सॉरी हम यहाँ पर डोपामिन एनालॉग सीधे ना दे करके हम कोशिश करेंगे डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट दे करके, या फिर डोपामिन एनालॉग भी दे सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं, कैबरगोलिन देते हैं, तो वो तरीका डोपामिन वाले पाथवे के माध्यम से इनडायरेक्टली काम करता है। लेकिन डोपामिन वाले पाथवे से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता जितना हम सोमैटोस्टैटिन पाथ के द्वारा ज़्यादा फायदा यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग सीधे तौर पर ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने को कम कराएगा। तो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स में कौन सा नाम आएगा, आप समझ सकते हैं ऑक्ट्रियोटाइड का नाम यहाँ पर आता है। तो ऑक्ट्रियोटाइड क्या है, वो सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। इसके अलावा लैनरियोटाइड, तो ये यहाँ पर ऑक्ट्रियोटाइड और लैनरियोटाइड ये दो ड्रग्स ऐसी हैं। लैनरियोटाइड स्पेलिंग पे थोड़ा सा अब छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ना करिएगा। यहाँ पर ऑक्ट्रियोटाइड या लैनरियोटाइड हम देते हैं जो कि सोमैटोस्टैटिन एनालॉग होते हैं। इसके अलावा हम मैंने आपको बताया ब्रोमोक्रिप्टिन या कैबरगोलिन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल भी दे सकते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल किन मामलों में हम देते हैं, ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल देने के पीछे रीज़न क्या होता है, ये रिसेप्टर पर जा कर के काम करते हैं। इसके अलावा पैग्वी सोमेंट दिया जाता है। पैग्वी सोमेंट जो है ये ग्रोथ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये ग्रोथ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है पैग्वी सोमेंट ग्रोथ हार्मोन को अपने रिसेप्टर पर जुड़ने नहीं देता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसके बारे में पता लगा। तो हमने एक्रोमेगैली के ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं, और यहाँ पर ड्रग्स का की मदद से शुरुआती दौर में हम कोशिश करते हैं कि बीमारी को कंट्रोल किया जाए। इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन, ऑक्ट्रियोटाइड और मैंने बताया पैग्वी सोमेंट के बारे में ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रेडियोथेरेपी भी दी जा सकती है। रेडियोथेरेपी में सीधे तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी या फिर हम कुछ ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए, ग्लैंड की साइज को सप्रेस करने के लिए रेडियोथेरेपी का एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा रेडियो सर्जरी भी होती है। रेडियो सर्जरी में आप देखेंगे गामा नाइफ और साइबर नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर साइबर नाइफ और गामा नाइफ का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से एक्रोमेगैली में होने वाले एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस किया जा सकता है।